मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। तो मेहनत करते जाइए और अपने भविष्य के सुनहरे दरवाजे को खोलते जाइए। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल किताब दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है अप्रैल 2, मार्च 31, अप्रैल 1, मार्च 30। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अप्रैल 2। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन 2 अप्रैल 1967 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ बुक फॉर यंग पीपल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन पढ़ने के प्यार को प्रेरित करने और बच्चों के पुस्तक पर ध्यान देने के लिए है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बोर्ड। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं रघुराम राजन, उर्जित पटेल, वायरल आचार्य, शक्तिकांत दास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उर्जित पटेल। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। उन्हें 31 मार्च 2021 से गैर श्रेणी में 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारे ऑप्शन है नितिन गोखले, शिव अरूर, शैलेंद्र जोशी, आर एन कावो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नितिन गोखले। नितिन गोखले द्वारा लिखित मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक एक नई पुस्तक 31 मार्च 2021 को जारी की गई और जो कि पूर्व जो है मुख्यमंत्री हैं गोवा के उन पर केंद्रित है, उनकी जो है जीवनी है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो है, अन्यान मिदुन हैज रिसेंटली वॉन गोल्ड फॉर इंडिया इन विच ऑफ दीज इवेंट। अन्यान मिदुन ने हाल ही में भारत के लिए किस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता है। हमारे ऑप्शन है फेंसिंग, बॉक्सिंग, चेस, वुशु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वुशु। केरल के अनियन मिधुन ने 30 मार्च और 31 मार्च 2021 को नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप 2021 में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है, श्रीस्तुरा हिरणकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट इज अ न्यू प्रोटेक्टेड एरिया डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। स्तुरा हिरणकेशी जैविक विरासत स्थल एक नया संरक्षित क्षेत्र है, भारत के किस राज्य में खोजा गया है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, वेस्ट बंगाल, असम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में अंबोली में एक जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली प्रजातियों की खोज के बाद एक क्षेत्र घोषित किया है जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत। 2.11 क्षेत्र के स्तुरा हिरणकेशी जैव विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है जो कि महाराष्ट्र का 5वां क्षेत्र होगा ऐसा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, नोबल लॉरेट इसामु अकासाकी ऑफ जापान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉन द नोबल प्राइज इन विच फील्ड। जापान के नोबल पुरस्कार विजेता इसामु अकासाकी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार जीता। तो हमारे ऑप्शन है मेडिसिन, इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी फिजिक्स। जापानी भौतिक विज्ञानी इसामु अकासाकी भौतिकी में 2014 के नोबल पुरस्कार के सह विजेता निमोनिया के बाद निधन हो गया, वह 92 वर्ष के थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो है,
When is the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action celebrated? Mine Action के लिए अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता और सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे ये ऑप्शन हैं अप्रैल 3, अप्रैल 4, अप्रैल 2, अप्रैल 1. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अप्रैल 4. प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस साल भी ये मनाया गया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अचीव द फीट ऑफ क्रॉसिंग 1 बिलियन ट्रांजेक्शन ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI इंफ्रास्ट्रक्चर्स. किस कंपनी ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन ट्रांजेक्शन को पार करने की उपलब्धि हासिल की है? तो हमारे ऑप्शन है फोन पे, जी पे, पेटीएम, फ्री चार्ज. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फोन पे. बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फोन पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI बुनियादी ढांचों पर 1 अरब लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है. कंपनी ने मार्च 2021 में यह उपलब्धि हासिल की जब उसके प्लेटफॉर्म पर लगभग 1.3 बिलियन का लेन देन हुआ जिसमें वॉलेट, कार्ड और साथ ही UPI की पेशकश की गई. चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो है चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को जो है Recently, with which country India signed a free trade agreement which will come into effect from April 1, 2021? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो अप्रैल 1, 2021 से लागू होगा? तो हमारे ऑप्शन है मॉरिशस, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर. तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिएगा. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा. चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.